हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ राज। और यार आज का जो वीडियो है ना वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज हम लोग भिलाई में नहीं, आज हम लोग दुर्ग में हैं। तो ये वीडियो होगा दुर्ग के लिए स्पेशली। तो अभी हम लोग हैं आदर्श नगर में, महाराजा चौक में। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड अपन ट्राई करते हैं, बहुत ही फेमस यहाँ पे ठेला है जहाँ पे घूम बड़ा मिलता है, तो आज हम लोग वही खाने आए हैं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा देखना, ठीक है? फिर चलो आगे। तो यार अगर मैं आप लोग को एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँ ना, तो ये महाराजा चौक है आदर्श नगर का, दुर्ग का। और ये हमारा यहाँ पे ये है हमारा ठेला, ठीक है? तो यहाँ हम लोग खाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो ये हम पहुँच गए हैं माँ भगवती पाव भाजी सेंटर में। यहाँ पे यार पाव भाजी से ज़्यादा तो ना मूंग बड़ा वगैरह सब फेमस है, तो हम लोग वही तो देख के आए हैं। पहले मैं आया था एक दो बार, तो चल के अंदर देखते हैं। अंदर में सिटिंग स्पेस भी है उधर, ठीक है? उधर सिटिंग स्पेस भी है, तो चलो अपना ऑर्डर देते हैं हम जाके, बढ़िया सा। तो ये निकल रहा है मूंग बड़ा अपना, इस एरिया का सबसे फेमस है ये। हम लोग भिलाई से यहाँ पे आए हैं सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए। और ये तैयार हो रहा है साबूदाना वड़ा, जो कि मेरा फेवरेट है, मेरे को बहुत पसंद है ये। आप लोग बताओ आप लोगों को पसंद है कि नहीं। तो ये रखा हुआ है हमारा पूरा आइटम्स, ये देख लो। तो खाएंगे अभी अपन। और ये चटनी पैक कर रहे हैं भैया, चलो खाया जाए अब। ये कौन सा चटनी है, लाल वाला? ये मिर्ची वाला। मिर्ची लहसुन की? मिर्ची लहसुन, मिर्ची लहसुन। और ये टमाटर, ये टमाटर मिर्चा धनिया, टमाटर मिर्चा धनिया। तो गाइज ये लग चुका है हमारा प्लेटर, ये देख लो। इसमें सबसे पहले बता दूं कि दो आलू गुंडा, दो साबुदाना बड़ा और तीन मूंग बड़ा, साथ में दो चटनी मिला, एक रेड चटनी जो की है मिर्ची लहसुन का, और दूसरा ये टमाटर धनिया मिर्ची का। चलो देख के तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अब खाया जाए। ये देख लो प्लेटर का पूरे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलो तो चलो यार टेस्ट करते हैं, बहुत इंतजार कर लिए बातचीत करके। तो चलो सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं ये मूंग बड़ा, बड़ा सा है, बहुत बड़ा है ये। ये देख लो सॉफ्ट सा है, बाहर से थोड़ा क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, अंदर धनिया वगैरह डाला हुआ है। तो चलो खाते हैं इसको। कौन से चटनी से खाए, रेड से कि ग्रीन से? पहले ग्रीन से खा, पहले ग्रीन से खाते हैं। चलो तगड़ा, इतना सॉफ्ट है ना ये, और मतलब खाते ही आपको लगेगा ना कि यार वाओ, ये वाला फील आएगा वाओ। सॉफ्ट और चटनी भी एकदम तीखा नहीं है, तीखा ये वाला चटनी होगा जिसमें खाते हैं। देखिए मैं, ये तीखा चटनी है, देखिए आपको पता चल रहा है, खाया जाए। चलो तीखा है, बहुत तीखा है, मज़ेदार। जिनको पसंद होगा ना तीखा, उनको बहुत बढ़िया लगेगा, मज़ा आ गया। चलो सेकंड अब है अपना साबुदाना वड़ा, बाहर से क्रिस्पी लग रहा है, ये भी सेम है यार, सेम कैटेगरी का है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। ये देखो, चलो खाते हैं। फोकस ही नहीं कर रहा है यार। कोई बात नहीं, मस्त, इसको सूखा भी आ सकता है, सूखा खा के देखते हैं। बहुत बढ़िया, एक नंबर। कई जगह क्या होता है ना, साबुदाना बड़े में ना बाहर से हल्का क्रिस्पी रहता है, लेकिन अंदर का जो ये हिस्सा है ना ये पका नहीं रहता, तो चिप चिप करता है, समझ रहे हो ना कैसा फीलिंग है? ठीक है, तो वो बड़ा बेकार लगता है, पर इसमें ऐसा नहीं है, ये बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ेदार। यहाँ मैं ना पहले दो बार आया हूँ यहाँ पे, दोनों बार मैं खाया था, एक बार साबुदाना वड़ा खाया था, एक बार मूंग वड़ा खाया था। दौड़ा उसी टाइम सोच लिया था वीडियो बनाने, ठीक है आ जाओ लास्ट वाला खाते हैं। लास्ट है अपना आलू गुंडा, स्टफिंग देख लो पहले, देख लो बढ़िया सा स्मैश्ड लग रहा है। आलू गुंडे में क्या पसंद नहीं आता बता, जो आलू बड़ा बड़ा छोड़ दिए रहते हैं ना वो पसंद नहीं आता, ऐसा नहीं है, ये अच्छे से स्मैश हुआ है। चलो खाया जाए, आज मैं तीखा चटनी नहीं यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि यार तीखा नहीं खाना है मेरे को ज़्यादा। मतलब ठीक है, अलग टेस्ट आलू गुंडे का, मतलब ना स्मैश्ड है ना, इसलिए ना
आलू वाला ना बढ़िया सा टेस्ट आ रहा है और ये बैलेंस है यार, इसका अंदर का मसाले मिर्च ना कम ज़्यादा नहीं है, बैलेंस है, बढ़िया मज़ेदार। चलो खाते हैं, अब रात को मिलते हैं खाते पास। हाँ तो यार खाना हो गया हमारा ख़त्म, और अगर मैं ओवरऑल अपने टेस्ट की बात बताऊँ ना, रिव्यू अगर यहाँ की रिव्यू दूँ तो मैं ना कंपेयर नहीं कर पाऊँगा तीनों को, क्योंकि तीनों बेस्ट था अपने जगह पे। मूंग बड़ा भी बहुत बढ़िया था, आलू गुंडा भी बढ़िया था, और अपना साबूदाना बड़ा तो तगड़ा ही था, ठीक है। और चटनी जो था ना रेड वाला बहुत तीखा है, मतलब मज़ेदार है, जो तीखा खाता है ना उसको तो मज़ा आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ आसपास वाले हो ना तो आप लोग बताओ कि यहाँ हफ्ते में आप लोग कितने बार आ जाते होगे, मतलब पता है कि आप लोग आते ही होगे यहाँ पे मूंग बड़ा खाने, मूंग बड़ा बहुत तगड़ा है यहाँ का, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ के नहीं हो, यहाँ पे नहीं आए हो, तो आप लोग ज़रूर आओ एक बार ट्राई करो यहाँ आके, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, तो आप लोग आके बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और आए हो ट्राई किए हो या फिर नहीं आए हो, आओगे ट्राई करोगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस यहाँ के बारे में, ठीक है। फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।